नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बदलते मौसम में आप अपने मुर्गी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो आप देखे होंगे मुर्गी सबसे ज्यादा बीमार पड़ती है जब मौसम चेंज होता है, यानी मौसम बदलता है। जैसे ठंड से गर्मी आने वाला है और गर्मी से कभी बरसात आएगा, फिर बरसात से ठंड आएगा, तो ऐसे मौसम में मुर्गी सबसे ज्यादा बीमार पड़ती है। क्योंकि दोस्तों जब भी मौसम चेंज होता है उस दौरान टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, यानी कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये टेम्परेचर जो कम ज़्यादा हो रहा है ऐसे समय पे अगर मुर्गी में इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कमजोर होगा तो मुर्गी बहुत जल्दी बीमार पड़ेगी, जिससे कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अब दोस्तों ऐसे समय पे अपने मुर्गी को बीमार से बचाने के लिए फार्मर्स ज़्यादातर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से मुर्गी में बहुत सारा साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे लिवर में कमजोरी, किडनी में कमजोरी, उसके साथ साथ मुर्गी का जो वजन है वो भी कभी कभी घट जाता है ज़्यादा एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करने से। लेकिन अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपकी मुर्गी में कोई भी साइड इफेक्ट ना आए, उसके साथ साथ मुर्गी का वजन भी सही बना रहे और आपका जो मेडिसिन का खर्चा है वो भी कम हो, तो उसके लिए मैं आपको एक देसी फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसका अगर आप अपनी मुर्गी में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मुर्गी में कोई भी बीमारी नहीं आएगा, उसके साथ साथ मुर्गी का वजन भी तेजी से बढ़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आज के इस देसी फॉर्मूला को तैयार करने के लिए 5 चीजें आपको ले लेना होगा जो कि बहुत ही आसानी से आपको अपने घर पे ही मिल जाएगा। उसमें से सबसे पहले नंबर पे आपको इस्तेमाल करना है अदरक यानी जिंजर 20 ग्राम। उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको लेना है हल्दी, कच्चा हल्दी इस्तेमाल करना है इसमें, जिससे कि ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। 20 ग्राम आपको कच्चा हल्दी इस्तेमाल करना है। अगर आपको कच्चा हल्दी नहीं मिलता है तो आप पाउडर हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यानी तीसरे नंबर पे आपको इस्तेमाल करना है तुलसी का पत्ता 20 ग्राम। इसके बाद यानी नेक्स्ट चौथे नंबर पे आपको इस्तेमाल करना है काला नमक जो कि आपको आधा चम्मच यानी हाफ टी स्पून इस्तेमाल करना है इसमें। उसके बाद लास्ट में यानी 5 नंबर पे आपको इस्तेमाल करना है काली मिर्च यानी जिसको ब्लैक पेपर भी कहा जाता है, इसको भी आपको हाफ टी स्पून यानी आधा चम्मच इसमें इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों ये जितना भी मात्रा आपको बताया गया लेने के लिए ये सभी मात्रा को 100 मुर्गी के हिसाब से बताया गया, यानी अगर आपके पास 100 मुर्गी है तो उस हिसाब से आपको इतना मात्रा लेना होगा। अगर आपके पास कम मुर्गी है, सपोज 5-10 मुर्गी पालन करते हैं, तो उसके लिए आपको अंत में सारा मात्रा बताऊंगा कितना कितना आपको इस्तेमाल करना है। तो 100 मुर्गी के लिए आपको जितना चीजें बताया गया उसको आपको ले लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो काम है वो है अब इसको आपको तैयार करना है यानी प्रोसेसिंग करना है। तो ये जो फॉर्मूला आप तैयार करेंगे वो रात के समय में आप तैयार करेंगे यानी रात को बनाएंगे। तो सबसे पहले जितना भी चीजें आपने लिया था जैसे अदरक, तुलसी का पत्ता और कच्चा हल्दी, ये सबको आपको क्या करना है कूट लेना है, यानी हल्का हल्का करके आपको किसी भी चीज की मदद से कूट लेंगे। कूट लेने के बाद आपको क्या करना है उसमें काली मिर्च जो आपने इस्तेमाल की है उसको आपको जो है खड़ा काली मिर्च नहीं इस्तेमाल करना है, उसको भी आपको तोड़ लेना है यानी कूट लेना है, यानी जो आधा चम्मच आप काली मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं वो कूटने के बाद आधा चम्मच होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है ये सबको एक साथ मिक्स करके उसमें 500 ml पानी आपको ऐड कर देना है, यानी 500 ml पानी में ये सारे चीज को कूट के आपको डाल देना है। जैसे ही आप सारा काम कर लेंगे अब आपको इसको रात भर के लिए छोड़ देना है भीगने के लिए, यानी उस पानी में सब चीज अच्छे से भीग जाए। उसके लिए आपको कोई भी कपड़े या फिर जो भी चीज आपके पास है उसमें ढक दे पानी को और रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दे। अब दोस्तों जैसे ही सुबह हो जाएगा यानी नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसी पानी को आपको बॉयल करना है। तब तक बॉयल करना है जब तक 500 ml पानी आपका 50% कम नहीं हो जाता, यानी 250 ml में तैयार नहीं हो जाता है। लेकिन एक चीज, जितना भी चीजें आपने मिलाया था उसको आपको हटाना नहीं है, सबको रहने देना है, यानी अदरक, हल्दी, तुलसी का पत्ता सबको पानी में ही रहने देना है और उसके साथ ही आपको बॉयल करना है। जैसे ही पानी आधा बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको ठंडा होने के लिए पानी को छोड़ देना है। पानी जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपको कपड़े या फिर छन्नी की मदद से पानी को छान ले ताकि जो भी कचरा है वो अलग हो जाए। जैसे ही दोस्तों पानी को आप छान लेंगे उसके बाद जो आपने आधा चम्मच काला नमक लिए थे उसको आपको उसी पानी में डाल देना है। काला नमक को डाल के अच्छे से पानी को घोल देना है ताकि पानी के साथ पूरा नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आपका 250 ml काढ़ा बन के तैयार हो गया है मुर्गी को देने के लिए। लेकिन मुर्गी को देने से पहले आपको क्या करना है 3 लीटर पानी लेना है और यानी 3 लीटर सादा पानी लेना है और उसी सादा पानी में आपको ये जो काढ़ा तैयार किए हैं इसको उसमें मिला देना है। मिला देने के बाद आपके पास जो 100 मुर्गी है 100 मुर्गी के लिए जितना भी ड्रिंकर आप इस्तेमाल करते हैं सभी ड्रिंकर में पानी को बांट देंगे। बांट देने के बाद आपको 3 घंटा छोड़ देना है, यानी 3 घंटे में पूरा का पूरा मुर्गी पानी पी के खत्म कर देगी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात आ जाता है इस फॉर्मूला को कब और कितने दिन तक मुर्गी में इस्तेमाल करना है। तो सुबह का जो पहला पानी होगा उसी पानी में इसको मिला के अपनी मुर्गी को पिलाएं और दोस्तों लगातार आप 3 से लेकर 4 दिन तक कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाता है उनके लिए जो कि घर में 5 या फिर 10 मुर्गी पाल के रखें,
वो कैसे इसका इस्तेमाल करें। तो इसको बनाने का जो प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन जो मात्रा आपको इस्तेमाल करना है वो थोड़ा कम करना है। यानी 3 ग्राम आपको अदरक इस्तेमाल करना होगा, 3 ग्राम तुलसी का पत्ता और 3 ग्राम कच्चा हल्दी। उसके साथ जो आपने काली मिर्च लिया था यानी काली मिर्च का पाउडर, उसको आपको एक चुटकी इस्तेमाल कर देना है, और जो काला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपको एक चुटकी इस्तेमाल करना है। ये सबके साथ आपको लेना है 350 ml पानी, जो कि आप रात भर भिगो के रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप इसको बॉयल करेंगे तब आपको इसको 150 ml में लेके आना है, यानी 150 ml रखना है। उसके बाद उसी 150 ml में आप जितना पानी एक बार में 10 मुर्गी के लिए देते हैं उतना पानी में आपको उसको मिला देना है। तो दोस्तों ऐसे करके बदलते हुए मौसम में, यानी जब आपको लगेगा कि मुर्गी इस दौरान बीमार ज़्यादा पड़ सकती है, उस दौरान अगर आप इसका लगातार 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल कर देते हैं तो आपकी मुर्गी में कोई भी छोटा मोटा बीमारी या फिर जो भी वायरल इन्फेक्शन ज़्यादातर देखा जाता है वो नहीं आएगा। उसके साथ साथ इसके इस्तेमाल से मुर्गी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा और मुर्गी का जो वजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाएगा। तो दोस्तों बस आज का था ये छोटा सा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलेगा कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।